Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube family. Trauma intihai ishq, drama dao, drama wafa be mol aur drama mere apne se kafi shohrat hasil karne wale ye handsome adakar Ariz Ahmed kaun hain, inki family mein kaun kaun hai, inki adakara biwi, inki haseen behan, aaiye mukammal details jante hain. Usse pehle agar aap mere channel Showbiz Club par naye hain to mere channel ko subscribe kar dein, video ko like kar dein aur bell icon par bhi zarur press kar dein. अनीस अहमद पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखते हैं. 7 नवंबर 1991 को कराची में पैदा हुए. इस वक्त इनकी उम्र 32 इयर्स हो चुकी है. अनीस अहमद जो कि एज अ एक्टर और एज अ मॉडल काम कर चुके हैं, इन्होंने बहुत से टॉप ड्रामास में काम किया है और इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी किया जाता है. इन्होंने मैरीटाइम स्टडीज में बैचलर्स की डिग्री हासिल की इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से. उसके बाद एज अ एक्टर और एज अ मॉडल ये काम करने लगे. इनकी फैमिली भी इनके साथ कराची में ही रिहाइश पजीर हैं और व्यूवर्स आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने कुछ टाइम के लिए मर्चेंट के तौर पर नेवी में भी काम किया और उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने थिएटर में कदम रखा और इन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई. इनके वालिद एक बिजनेसमैन जबकि इनकी वालिदा हाउसवाइफ हैं और इनकी ये बहन हैं. इनके बहन भाइयों में कोई भी शोबत से ताल्लुक नहीं रखता. जबकि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो इनकी शादी हिबा बुखारी के साथ हुई. इनकी अहलिया हिबा बुखारी भी मशहूर अदाकारा हैं. दोनों साथ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं. ऑन स्क्रीन भी मियाँ बीवी की जोड़ी को जितना पसंद किया गया फैंस की तरफ से, वैसे ही इनको ऑफ स्क्रीन भी बेहद पसंद किया जाता है. ये आप इनकी शादी से शानदार तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं. बात करते हैं यहाँ इनकी फिजिकल अपेयरेंस के बारे में तो इनकी हाइट 5'7", इनका हेयर कलर ब्लैक जबकि आई कलर ब्राउन है. इनकी कम्प्लेक्शन फेयर, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना ट्रैवल करना है. तो ये हैंडसम अदाकार अरीज अहमद आपको कैसे लगते हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और शोबिज से जुड़ी मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबिज क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको आसानी मिल सकें. तो मैं मिलूँगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ.